हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 10 के ऊपर पबजी या बीजीएमआई कैसे परफॉर्म करेगी, इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर है मेरे पास बेस वेरिएंट 64 GB वाला ब्लैक कलर में आईफोन 10। आई बिलीव आईफोन 10 में दो वेरियंट्स आते हैं, 64 GB और 256 GB। सो मेरे पास है 64 GB वाला वेरियंट और इसको मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ बीजीएमआई के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा आईफोन जो रन कर रहा है वो iOS 13.7 के ऊपर रन कर रहा है। यहाँ पर बीजीएमआई मैंने डाउनलोड कर ली है। तो सबसे पहले इसका ऐप ओपनिंग टेस्ट करेंगे कि कितना टाइम लगी ओपन होने में। तो यहाँ पर मैं टाइमर साइड पर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स के ऊपर जो है मेरी गेम जो है ऑन हो गई है। सो 21 सेकेंड्स तक मैंने ऑन ऑफ नहीं किया ये टाइमर। सो बेसिकली 20 सेकेंड्स इसने लिए हैं गेम को ओपन करने में। लोडिंग होने के बाद में एग्जैक्टली अगर हम स्टॉप वॉच बंद कर देंगे तो 20 सेकेंड्स गिनती के फुल काउंट आ जाएगा। आईफोन में अगर अपना म्यूट स्विच को म्यूट पर रखोगे तो हमारा जो आईफोन 10 है वो साउंड कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा गेम में। अगर आपने साउंड फुल भी कर रखी है ना तो भी आपकी कोई साउंड नहीं आएगी। जस्ट आप हेडफोन्स प्लग इन करोगे तो ही आपकी म्यूट में साउंड आएगी। सो इसको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आपको साउंड चाहिए। ओके, सो सबसे पहले जंप करते हैं अपनी ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर। सो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो HD और हाई के ऊपर है। ये डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसमें कोई भी सेटिंग्स नहीं छेड़ी है और मैं अभी इसमें पहली बार गेम प्ले करूँगा। मैंने जस्ट अभी गेम इंस्टॉल की है और पहले ओपन कर ली थी, अपडेट कर लिया है और ये सेकंड ओपन रहेगा इसका। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं HDR के ऊपर भी कर सकता हूँ, ये सपोर्टेड है। अल्ट्रा HD नहीं सपोर्टेड है इसमें। आईफोन 11 में अल्ट्रा HD चला जाता है। HDR के ऊपर अल्ट्रा FPS भी सपोर्टेड हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्मूथ में देखते हैं कि एक्सट्रीम ग्राफिक्स अनलॉक होते हैं या नहीं होते हैं। स्मूथ में एक्सट्रीम मिल जाएंगे, ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। और 90 FPS, जो लोग बोलते हैं कि अपने अपने आईफोन में 90 FPS कैसे लें, दोस्तों इतनी चीज़ का ध्यान रख लो, 90 FPS उसी डिस्प्ले के ऊपर मिलेंगे जिसकी 120 Hz का पैनल हो या 90 FPS का सपोर्ट करता हो। ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले आपकी 60 Hz की है और आप उसके ऊपर 90 FPS जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस पानी में जाएंगी। या तो फिर आईफोन 13 प्रो सीरीज से शुरुआत हो रही है 90 FPS की। सो आप ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए चेक करना। स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। जायरो की सेटिंग्स अगर हम देखें तो जायरो में चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन कंट्रोल्स एंड एडवांस सेटिंग्स। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पर जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन के ऊपर आप रखोगे। सो अंदर जाकर मैं गेम के अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि कैसी जायरो परफॉर्म करती है, कोई लैग वगैरह है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं आईफोन 10 में या नहीं। सो सबसे पहले मैं एक गेम शुरू करने से पहले बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हो गिनती की बिल्कुल 60% मेरी बैटरी है। मेरा फ़ोन जो है एयरप्लेन मोड के ऊपर है और मैं वाईफाई रन कर रहा हूँ और मेरा जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट 80% लेवल के ऊपर रहेगी। गेम जब खेलनी है आपको भी कवर रिमूव कर लेना, बिकॉज आप जानते हो हीटिंग होगा तो हीटिंग जो है आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ को किल करेगी। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 60% के ऊपर गेम को ओपन कर रहा हूँ और एक TDM मैच में कितना आईफोन 10 परफॉर्म करेगा बैटरी को लेकर। ये मेरे आईफोन की बैटरी ओरिजिनल है और इसकी जो हेल्थ है वो सर्विस पर है, मतलब 78 के आसपास या 77 के आसपास इसकी हेल्थ होगी, अभी अभी सर्विस के ऊपर आई है। सो परफॉर्मेंस वाइज आईफोन 10 काफ़ी जल्दी गेम को ओपन कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये डिवाइस स्लो है। और अभी जो हीटिंग है वो नॉर्मल सी देखने को मिल रही है बैक साइड से, कैमरा वाली साइड से नीचे को, कि थोड़ा सा फ़ोन हीट लग रहा है यहाँ से। बाय द वे, बैक ग्लास वाला फ़ोन है तो इसकी जो हीटिंग है हमें ज़्यादा महसूस नहीं होगी, बिकॉज मेटेलिक फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग महसूस होती है। तो एक बार गेम प्ले शुरू करते हैं। ब्राइटनेस को मैं ऑलमोस्ट 80% लेवल के ऊपर रख रहा हूँ और अगर मैं ब्राइटनेस को फुल करता हूँ तो मेरी जो आईफोन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी, ये अब चीज़ आप जानते हो। सो मैं लाइटिंग्स को थोड़ा डिम कर लेता हूँ तो आपको स्क्रीन बेहतर दिख सके, और कोई FPS या मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आईपैड यूज़र हूँ सो मेरी गेम जो है आईपैड में ही थोड़ी बढ़िया होगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर फ़ोन में जो है फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है और क्विक मूव्स आप ले सकते हो। अगर आपके सामने एकदम कोई जल्दी से बंदा आ जाए
तो आप उसी टाइम जो है काइंड ऑफ स्कोप ओपन कर सकते हो और फायर कर सकते हो उस बंदी को। और ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है इस गेम के अंदर। बाय द वे, आप गाइडेड एक्सेस करके लॉक कर सकते हो। ये जो है ना नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाएगा। मेरी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी आईपैड वाली है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर मुझे जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये जो स्कोप का बटन है, मेरा हाथ नीचे को जाता है लेकिन स्कोप का बटन ऊपर है। बाय द वे, अभी थोड़ी सेटिंग्स में छेड़खानी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सेटिंग्स को फिर से छेड़ूँ, क्योंकि आईपैड के ऊपर मैंने फुल सेट कर रखी हैं। बाय द वे, आपको गेम प्ले स्मूथ देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। और आपको एक बार मैं जायरोस्कोप का देखाऊँ, तो यहाँ पर आप जायरो की आप देख सकते हो सेटिंग्स। जायरो जैसे ही आप मूव करोगे उसी टाइम जो है आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड कर रहा है और कोई आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा। बाय द वे, अभी फ़ोन जो है थोड़ा थोड़ा हीट होना शुरू हुआ है और आपका फ़ोन तब लैग करेगा जब फ़ोन ज़्यादा हीट होगा। सो जस्ट वेट करते हैं। अभी 60% के ऊपर ये मैंने मैच शुरू किया था। सो कितनी बैटरी परसेंटेज ड्रॉप होगी वो जानेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको जो गन्स की फायर निकल रही हैं उसमें कोई भी लैग नहीं है। आई मीन से कि यहाँ पर गोलियाँ निकलती हमें स्पेशल दिख रही हैं, इसकी FPS काफ़ी स्मूथ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गेम प्ले में। और अगर आप इंस्टेंटली स्कोप ओपन करके किसी को फायर करने की कोशिश करोगे तो आपका डिवाइस आपको धोखा नहीं देगा। सो काफ़ी क्लियर गेम प्ले है, स्मूथ है, मुझे पसंद आ रहा है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस गेम प्ले से थक जाऊंगा, मैं खेल सकता हूं घंटों जितनी बार भी मुझे खेलना हो। सो आईफोन 10 आपका मिनिमम बजट है अगर बाय करने के लिए, और आप पबजी के लिए भी गेम बाय करना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। बाय द वे, आपको अगर आप लंबा गेम प्ले चाहते हो जैसे कि इरेंगल के मैचेस, तो आपको जो है कूलर लेके आना पड़ेगा, जो कि या फिर एसी वाले रूम में ठंडा फ़ोन करने के लिए आपको साथ साथ में ये मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो है बंदों का लेवल इतना हैवी नहीं है मेरे केस में, तो मैं इनको झट से निपटा सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको गेम प्ले स्मूथ दिखाना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं अभी गेम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, जस्ट मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि आपको मैं फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कहीं पर दिखा सकूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं इंस्टेंटली अगर मैं स्कोप ओपन करता हूँ और लोडिंग के लिए उसी टाइम लेके जाता हूँ, फिर मैं लेटता हूँ, तो कोई आपको इश्यू नहीं आने वाला। सो यहाँ पर जस्ट 1 मिनट एक मैं एक कंप्लीट गेम प्ले कर लूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि जो 5 से 6 मिनट का स्टेडियम का मैच रहता है एरिना ट्रेनिंग का, उसमें आपकी बैटरी लॉस कितना होगा आईफोन 10 में। रेड टीम जीत गई है। और यहाँ पर जो गेम प्ले है वो देखते हैं कि कितना बैटरी परसेंटेज कितनी हुई है। सो यहाँ पर गाइस जस्ट होल्ड ऑन, अपनी लाइटिंग को इंक्रीज कर लूँ। सो देयर वी गो। और अब चेक करते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग के अब जो है मेरी ब्राइटनेस थोड़ी 80% के आसपास थी और मेरा फ़ोन इस ब्राइटनेस के ऊपर डिम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोन इतना हीट नहीं हुआ। आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस डिम करेगा जब आपको फ़ोन हीट होगा। और 6 मिनट के अंदर आपकी 6% बैटरी लूज हो गई है। साफ साफ क्लियर क्लियर आपको शो कर रहा हूँ। 60% के ऊपर मैंने शुरू किया था, 654 हो गए हैं। 6 मिनट का ही ये मैच रहा है और 6% इसकी बैटरी उड़ गई है और अभी तक पबजी बैकग्राउंड में है। सो पबजी इस तरीके से परफॉर्म करने वाली है आपके केस में। मैंने आपको इसकी ग्राफिक सेटिंग्स दिखा दी, जायरोस्कोप दिखा दिया कैसे काम कर रहा है। अगर आपके और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर आईफोन 10। आई होप गाइज आपको आईफोन 10 में पबजी सही लगी होगी। कैसे लगा जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।